ये क्या है? ये सब तो मुझे रमीक अंकल ने दिया। मैंने बहुत ढूंढ लिया, मेरे को मिला ही मिला। पक्का उसी ने सामान चुराया होगा। हाँ मुझे भी लगता है कि आरती ने चोरी की है। ऐसा करो बुलाओ ने। आरती पूजा चोरी चोरी पुनीत ये लो आपका डेकोरेशन का सामान, मेरे को छूना भी मत। पार्टी के लिए रेडी हो गई। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। सियान इतनी लूज ड्रेस है। हाँ जोकर लगनी है। दीदी मुझे लगा आपने उस गरीब से दोस्ती कर ली है। अरे नहीं बुद्धू, बस एक ड्रेस ही तो दी है और वैसे भी वो मेरे को बहुत लूज थी। अच्छा, और अगर उस गरीब को मैं ड्रेस नहीं देती तो फिर से चोरी कर लेती। मेरी फ्रेंड का कॉल आ रहा है। हेलो। हाय श्रेया, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तेरी पार्टी की प्रिपरेशन हो गई? हाँ बस चल ही रही है। एक सेकेंड, चारू की कॉल आ रही है। चल ठीक है, फिर हम बाद में बात करते हैं। हेलो। हाय चारू। हैप्पी बर्थडे शनाया। थैंक यू। शनाया दीदी को इतने सारे लोगों के फोन आ रहे हैं पर मेरे को तो कोई फोन ही नहीं करता। क्या हुआ बेटा, तू इतनी उदास क्यों है? बेटा एक बार काम खत्म हो जाए फिर घर चल के तेरा जन्मदिन जरूर मनाएंगे। अब क्या जन्मदिन मनाओगे मेरा माँ? Later. मामा पापा मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। बिल्कुल प्रिंसेस लग रही है मेरी बेटी। सुंदर ड्रेस तो मैंने कभी नहीं देखी। आंटी ड्रेस को ही घूरती रहोगी, कोई काम भी करोगी? हाँ जी हाँ जी, क्या काम करना है? किचन में जाओ और सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। हाँ जी ठीक है, मैं भी आई। अरे तुम इतनी छोटी सी बच्ची से काम करवा रही हो? अरे तो हमने उसको बुलाया किस लिए है फिर? अगर कोई एक और नौकरानी बुलाती तो उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते, अब फ्री में ही काम हो जाएगा। इसका मतलब है तुम ये जो सारा काम करवा रही हो उसके पूजा को एक्स्ट्रा पैसे नहीं दोगी? अरे एक्स्ट्रा पैसे किस बात के, इतनी बढ़िया पार्टी अटेंड करेगी ये मैडम आरती और पूजा। इन गरीबों ने कभी इतनी अच्छी पार्टी अटेंड करी है क्या? पापा पापा आ जाओ केक काटते हैं। ये तो इतना एक्साइटेड है जैसे इसका बर्थडे है। चलो आओ। अरे 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 केक तो ले लो, बर्थडे केक लाओ। काश इतना सुंदर केक मैं भी काट पाती। बेटा ऐसे उदास नहीं होते। माँ क्या मैं भी ऐसा केक कभी काट पाऊंगी? बेटा छोड़ो ना ये सब बातों को, देखो ना शनाया कितनी खुश है, आज उसकी खुशी में ही हम भी खुश होते हैं। पापा पापा मैं केक काटूं? शनाया दीदी पहले विश तो मांग लो। अरे हाँ भगवान जी, काश मेरा नेक्स्ट बर्थडे किसी हिल स्टेशन पे हो, मसूरी चलेगा या फिर नैनीताल। मैं भी शनाया दीदी के बर्थडे केक को देख के ही विश मांग लेती हूँ।
भगवान जी, काश मेरे अगले बर्थडे पर मेरे पास भी ऐसा शनाया दीदी के जैसा सुंदर केक हो। लो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शनाया, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं भी शनाया दीदी को केक खिला लूं। यू, मैं तुम्हारे हाथ से केक नहीं खाऊंगी, दूर हो जाओ। अरे पुनीत, थोड़ा केक आरती को भी दे दो ना। हाँ, अभी बाद में बचेगा तो दे दूंगी। मम्मा, खाने में क्या है? बेटा, आज खाने में है चाइनीज, इटालियन, मेक्सिकन, कॉन्टिनेंटल। मेरा तो मन था मैं और बहुत सारे क्विजींस भी ऑर्डर कर दूं। आज मेरी प्रिंसेस का बर्थडे जो है, पर हम इतना सारा खाना खाएंगे कैसे? इतना सारा? मेक्सिकन, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, ये सब क्यों होता है? ये तो मैंने पहले कभी सुना ही नहीं था। मुझे तो सिर्फ समोसा पता है, राजू अंकल का 5 रुपए का समोसा। अरे अरे, एक सेकंड, एक चीज तो मैं भूल ही गया। एक सेकंड माया, एक सेकंड। भाई, मेरे को लगा था आप लोग मेरे लिए गिफ्ट लाना भूल तो नहीं गए। ये लो सियान, ये आपका है। हैप्पी बर्थडे शनाया। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे शनाया। थैंक यू। ये लो, हैप्पी बर्थडे। ओके, अब आप अपने बर्थडे गिफ्ट खोलो और एंजॉय करो, हम अभी आते हैं। दिन पार्ट 3 लाइव हो चुका है हमारे चैनल रमनीत सिंह 1313 पे। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। नो भेदभाव। वीडियो देखने के लिए क्लिक 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 क्लिक। बहुत अच्छी वीडियो है। क्लिक 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 क्लिक।